बॉलीवुड जो कि हमेशा किसी न किसी अलग चीज की वजह से चर्चा में रहता है, लेकिन आज हम बॉलीवुड का वो साइड आपको दिखाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। बॉलीवुड में जहां कुछ लोग केवल धर्म के नाम पर नफरत के बीज बो रहे हैं, वही कई एक्टर ऐसे भी हैं जो कि धर्म निरपेक्षता की मिसाल पेश कर रहे हैं। आज हम आपके उन 7 मुस्लिम सितारों के बारे में बात करेंगे जो हर साल दुर्गा पूजा को धूमधाम से मनाते हैं और यह साबित करते हैं कि धार्मिक भेदभाव से परे इंसानियत और एकता सबसे ऊपर होती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शाहरुख खान, सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की, जिनकी पहचान सिर्फ उनकी फिल्मों तक ही सीमित नहीं है बल्कि उनके खुले दिल और हर धर्म के लिए इज्जत भी उन्हें खास बनाती है। शाहरुख खान, जिन्हें प्यार से हम सभी किंग खान कहते हैं, अपनी फिल्मों की तरह असल जिंदगी में भी दिलों पर राज करते हैं। और अगर बात त्योहारों की हो तो शाहरुख इस मामले में भी एक मिसाल है। शाहरुख खान एक मुस्लिम परिवार से आते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा हर धर्म और हर परंपरा को खुले दिल से अपनाया है। अब आप जानते ही होंगे कि उनकी पत्नी गौरी खान एक हिंदू परिवार से हैं और बंगाली होने की वजह से उनके घर में दुर्गा पूजा का खास महत्व है और शाहरुख भी इसमें पूरी श्रद्धा और दिल से हिस्सा लेते हैं। हर साल जब दुर्गा पूजा का मौका आता है तो शाहरुख कोलकाता और मुंबई के बड़े बड़े पंडालों में गौरी और अपने बच्चों के साथ नजर आते हैं। आर्यन, सुहाना और अबराम, पूरा परिवार साथ होता है और सभी मिलकर मां दुर्गा की पूजा करते हैं। इसे कहते हैं असली फैमिली गोल्स। उनका ये समर्पण ना सिर्फ उनकी ससुराल के रिवाजों की इज्जत को दिखाता है बल्कि ये भी बताता है कि शाहरुख खान के लिए धर्म और संस्कृति में कोई भेदभाव नहीं है। शाहरुख का कहना है, त्योहार तो हमें जोड़ने का जरिया होते हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को हर धर्म और परंपरा की इज्जत करना सिखाएं। वाह, क्या बात कही है किंग खान ने। यही वजह है कि जब भी शाहरुख किसी दुर्गा पूजा के पंडाल में पहुंचते हैं तो वहां का माहौल और भी खास हो जाता है। इससे साफ है कि शाहरुख सिर्फ सुपरस्टार नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान हैं जो हर धर्म हर रिवाज को अपनाकर सभी के दिलों में जगह बना लेते हैं। उनकी ये सोच और अंदाज ही उन्हें सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े और प्यारे स्टार्स में से एक बनाता है। नंबर 2, आमिर खान। अब बात करते हैं बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की, जो अपने अनोखे विचारों और प्रगतिशील सोच के लिए जाने जाते हैं। आमिर खान सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी अपने दिल से हर त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं और जब बात हो दुर्गा पूजा की तो आमिर इसे भी बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाते हैं। आमिर के कई खास दोस्त बंगाली समुदाय से हैं और वो हर साल दुर्गा पूजा के दौरान अपने दोस्तों के पंडालों में जाते हैं। आमिर अपने परिवार के साथ मिलकर माँ दुर्गा की पूजा करते हैं और इस त्योहार की खासियत को दिल से महसूस करते हैं। वो मानते हैं कि हर धर्म और हर त्योहार हमें कुछ नया सिखाने का मौका देता है। आमिर कहते हैं, त्योहारों का असली मकसद होता है हमें जोड़ना, ना कि अलग करना। आमिर खान का एक और बड़ा संदेश है कि धर्म और संस्कृति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया है कि हर धर्म को इज्जत देना जरूरी है। उनके लिए हर त्योहार प्यार और सद्भावना का प्रतीक है। आमिर का मानना है कि चाहे आप किसी भी धर्म से हों, सबका मकसद एक ही है, हमें इंसानियत सिखाना और सबको साथ लेकर चलना। तो देखा आपने, आमिर खान सिर्फ ऑन स्क्रीन हीरो नहीं है बल्कि असल जिंदगी में भी अपने हर कदम से लोगों के दिलों को जीतते हैं। नंबर 3, सलमान खान। और अब बात करते हैं बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की, जो हमेशा से धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का सबसे बड़ा प्रतीक रहे हैं। सलमान का परिवार हर धर्म को इज्जत देता है और ये बात उनकी बहन अर्पिता खान की शादी में भी साफ नजर आई थी। शादी के दौरान दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन हुआ जिसमें सलमान पूरे जोश और श्रद्धा के साथ शामिल हुए थे। सलमान के घर में हर त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है, चाहे वो ईद हो, क्रिसमस या फिर दुर्गा पूजा। उनके घर का माहौल हमेशा खुशियों से भरा रहता है।
सलमान का मानना है कि त्योहार का असली मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं बल्कि खुशियां बांटना और अपने परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताना है। दुर्गा पूजा के वक्त सलमान अपनी बहन अर्पिता के साथ मिलकर माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। वो मानते हैं कि त्योहार हमें साथ लाते हैं और हमें एक दूसरे के साथ प्यार और इज्जत से रहना सिखाते हैं, तो भाईजान की ये सोच वाकई काबिले तारीफ है, जो उन्हें सिर्फ एक बड़े स्टार ही नहीं बल्कि एक बड़े दिल वाला इंसान भी बनाती है। 4. सैफ अली खान। सैफ अली खान की बात करें तो उनका परिवार धार्मिक विविधता का एक बेहतरीन उदाहरण है। सैफ की मां शर्मिला टैगोर बंगाली हैं और सैफ का बंगाली संस्कृति के प्रति गहरा लगाव है। हर साल सैफ अपनी मां और पत्नी करीना कपूर के साथ दुर्गा पूजा में शामिल होते हैं। पंडालों में जब सैफ पूरे श्रद्धा के साथ मां दुर्गा की आराधना करते हैं तो यह साफ दिखता है कि उनके लिए धर्म कोई बंधन नहीं है बल्कि हमें जोड़ने वाला एक सेतु है। सैफ अपने बच्चों को भी दोनों धर्मों की परंपराओं से परिचित कराते हैं ताकि वे एक धर्मनिरपेक्ष सोच के साथ बड़े हो सकें। 5. सोहा अली खान। सोहा अली खान, जो सैफ अली खान की बहन हैं, भी दुर्गा पूजा को बड़े धूमधाम से मनाती हैं। अपनी मां शर्मिला टैगोर की परंपराओं का सम्मान करते हुए सोहा हर साल दुर्गा पूजा के पंडालों में शामिल होती हैं और पूरे परिवार के साथ मां दुर्गा की पूजा करती है। सोहा कोलकाता के पंडालों में कई बार देखी गई है जहां वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ दुर्गा पूजा का उत्सव मनाती है। सोहा का कहना है कि धर्म की दीवारें नहीं होनी चाहिए और हर व्यक्ति को हर त्योहार का आनंद लेना चाहिए। उनके विचार और कार्य इस बात को साबित करते हैं कि धार्मिक एकता ही सबसे महत्वपूर्ण है। 6. हिना खान, जो टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की एक प्रमुख अदाकारा हैं, भी दुर्गा पूजा के प्रति अपनी गहरी आस्था रखती है। हिना अक्सर अपने सोशल मीडिया पर दुर्गा पूजा के दौरान अपनी तस्वीरें साझा करती हैं, जिसमें वह मां दुर्गा की आराधना करती नजर आती है। हिना का मानना है कि मां दुर्गा शक्ति और साहस का प्रतीक है और हर महिला को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हिना का यह भी कहना है कि त्योहारों का उद्देश्य लोगों को करीब लाना है और जब हम मिलकर पूजा करते हैं तो वह एक अलग ही अनुभव होता है। वह दुर्गा पूजा को न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि व्यक्तिगत विकास और प्रेरणा का भी प्रतीक मानती है। 7. फराह खान, जो एक प्रसिद्ध कोरियोग्राफर और फिल्म निर्देशक हैं, भी दुर्गा पूजा के अवसर पर अपनी श्रद्धा व्यक्त करती हैं। फराह का मानना है कि सभी धर्मों और त्योहारों का सम्मान करना आवश्यक है। उनके परिवार में भी दुर्गा पूजा का महत्व है और वह अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस अवसर को मनाती हैं। फराह अक्सर अपनी सोशल मीडिया पोस्ट्स में इस बात का उल्लेख करती हैं कि कैसे वह दुर्गा पूजा के पंडालों में जाकर मां दुर्गा की आराधना करती हैं। फराह का जीवन इस बात का प्रमाण है कि धर्म और कला का कोई भेदभाव नहीं होता और हर व्यक्ति को अपने धर्म के साथ साथ दूसरों के धर्मों का भी आदर करना चाहिए। इन सभी सितारों का जीवन इस बात का सबूत है कि त्योहार और धर्म हमें जोड़ने का काम करते हैं। बॉलीवुड की यह अद्वितीय विविधता और धार्मिक सहिष्णुता हमें सिखाती है कि चाहे आप किसी भी धर्म के हों, सभी त्योहारों को मनाना और उनका आदर करना ही असली खुशी का तरीका है। तो दोस्तों, क्यों ना इस बार हम सभी भी धर्म और समाज की दीवार हटाकर एक बार जोर से बोले, जय माता दी।